मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुग्राम वासियों के 237 करोड़ से ज़्यादा लागत की 34 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान गुरुग्राम में आयोजित इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद रहे और इसके साथ ही उन्होंने कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की समस्याओं का समाधान किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूह के फिरोजपुर झिरका से प्रदेशवासियों को 347 परियोजनाओं की सौगात दे दी है, जिसमें से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम वासियों के लिए 34 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसकी लागत 237 करोड़ रुपयों से ज्यादा की है। गुरुग्राम में आयोजित इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि बाढ़ की वजह से प्रदेशवासियों का काफी नुकसान हुआ है और जल्द ही किसानों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। आज हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के अंदर हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है और इसी श्रृंखला में गुड़गांव में 34 परियोजनाएं जो है, जिनमें से 6 का शिलान्यास, 28 का उद्घाटन यहाँ हुआ है। और मुख्यमंत्री जी की एक नीति है कि पूरे प्रदेश की मैपिंग करा करके जहां जहां जैसी जैसी जरूरत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की, नहरों की, सड़क की, पशु अस्पताल की, कॉलेज की, बगैर भेदभाव के पूरे प्रदेश का विकास किया जाए। और पहले इस तरह नहीं होता था, पहले किसी एक क्षेत्र में ज्यादा काम होता था। हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे हरियाणा के अंदर जो है समान विकास कराते हैं, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। ये बड़ा इस साल के शुरुआत से ही फरवरी मार्च में बारिश आई, फसलें खराब हुई, अब भी मानसून जल्दी आया और अत्यधिक वर्षा होने की वजह से किसानों की लगभग 5 लाख एकड़ जमीन हमारी पानी में भरी हुई है, घरों का नुकसान हुआ है, कई पशुओं के चारे का, पशु की जान माल का, आदमियों की जान माल का नुकसान हुआ है। और अभी पहला हमारी प्रायोरिटी थी कि इनका प्रबंध तुरंत किया जाए। अब हम जो है राहत के लिए कि फसलों का या जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए मुख्यमंत्री जी और हम मिलकर के फैसला करेंगे और किसानों के जो नुकसान हुआ है उसके पैसे दिलवाएंगे। इन परियोजनाओं में जीएमजीए सिंचाई विभाग सहित नगर निगम की कई परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की। इस दौरान बैठक में कुल 15 समस्याओं को रखा गया, जिनमें से सभी समस्याओं का मौके पर ही निदान कर दिया गया और बैठक में सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज़।